सी आई टी एन टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा सात के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग दो आइए अब सुनते हैं अध्याय नौ का ध्वनि पाठ शीर्षक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और आइए अब सुनते हैं पाठ पृष्ठ संख्या एक सौ बाईस अध्याय नौ क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन वस्त्र काव्य नृत्य संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न भिन क्षेत्रों में एक समान प्रतीत तो होती हैं परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है चेर और मलयालम भाषा का विकास आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंत संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण आरंभ करें महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है नवी शताब्दी में स्थापित किया गया संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है इसी पृष्ठ पर एक काम आपके लिए करने को और वो काम है कि पता लगाएं कि पिछले दस सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है पृष्ठ संख्या 123 सौ साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियाँ जो लगभग बारहवीं शताब्दी की बताई जाती हैं प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि चौदहवीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा जो यहां दो भाषाओं यानी संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है पाठ में चलने से पहले इसी पर एक चित्र और ये है चित्र संख्या एक और यह चित्र है मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख आपके लिए कुछ पता लगाने को और यहाँ पर आप पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषा या भाषाएं बोलते हैं उनका या उसका लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ होगा इसी पृष्ठ पर है चित्र संख्या दो और चित्र संख्या दो में है बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा आइए अब चलते हैं पाठ में शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया बारहवीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया पृष्ठ संख्या 124। इस पृष्ठ पर सबसे पहले एक चित्र बाईं ओर, चित्र संख्या तीन और ये जगन्नाथ मंदिर पुरी का चित्र है अब आइए सुनते हैं पाठ ज्यो ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता जैसे मुगल मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं तथापि यह अक्सर माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग आठवीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा पृथ्वीराज जिसके बारे में अध्याय दो में आपने पढ़ा है एक ऐसा ही शूरवीर शासक था ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई पाठ पर चलने से पहले इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या चार और ये चित्र है बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का पृष्ठ संख्या 125 आइए सुनते हैं पाठ राजपूत शूरवीरों की कहानियां एवं गीतों में सुरक्षित हैं विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण द्वारा गाई जाती हैं ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति मित्रता प्रेम शौर्य क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था एक प्रश्न उठता है कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था तो उत्तर है जी हां कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। इसी पृष्ठ पर मानचित्र एक और इस मानचित्र में वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जिनकी चर्चा इस अध्याय में की गई है पृष्ठ संख्या 126 सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था आ, इसी पृष्ठ पर बाई और एक बॉक्स और आपके लिए कुछ करने को है आपको पता लगाना है तो पता लगाएं कि क्या आपके नगर या गांव में शूरवीरों या वीरांगनाओं की परंपरा रही है यदि हाँ तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरतापूर्ण आदर्शों से कितनी समान या भिन्न हैं अब सुनते हैं पाठ क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न भिन क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है आइए नृत्य के एक रूप यानी कथक के इतिहास को देखें यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा-कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला रास में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान यानी जयपुर के राज दरबारों और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब हरियाणा जम्मू और कश्मीर बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया इसी पृष्ठ पर एक चित्र और ये है चित्र संख्या पांच इसका शीर्षक है नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो पृष्ठ संख्या एक सौ सत्ताईस इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कत्थक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे छह शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई और अब एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है शास्त्रीय नृत्य इसमें एक चित्र दिया गया है यह है चित्र संख्या छ जिसमें कथक नृत्यांगनाओं को दिखाया गया है जो एक दरबार में नृत्य कर रही हैं अब आइए सुनते हैं बॉक्स में वर्णित वृतांत शीर्षक है शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है इस प्रकार से हैं भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है कथाकली ये केरल का नृत्य है ओडिसी, जो उड़ीसा का नृत्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और मणिपुरी जो मणिपुर का नृत्य है एक प्रश्न आपके लिए इस बॉक्स के अंत में और वह प्रश्न है इनमें से किसी एक नृत्य रूप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें पृष्ठ संख्या 128। पाठ में चलते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे मुगल बादशाह अकबर जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों को चित्रित करते थे ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों यानी बादशाह और उसके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे पाठ में चलने से पहले इसी पृष्ठ पर एक चित्र और ये है चित्र संख्या सात इस लघु चित्र में दिखाया गया है शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर ये मुगल लघु चित्र है अब आइए सुनते हैं पाठ मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए इनका वृतांत हमें अध्याय दस में मिलेगा परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के चित्र चित्रित किए जाने लगे इनके साथ साथ मेवाड़ जोधपुर बूंदी कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा एक ऐसा ही क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका पृष्ठ संख्या एक इस पृष्ठ पर एक चित्र है यह है चित्र संख्या आठ यहाँ पर इसका वर्णन है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र कोटा राजस्थान बल्कि पाठ में चलने से पहले इसी पृष्ठ पर एक और चित्र है ये है चित्र संख्या नौ और ये चित्र है कृष्ण राधा और उसकी सखियां ये कांगड़ा का पहाड़ी लघु चित्र है और अब सुनते हैं पाठ सत्रहवीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसोहिली शैली कहा जाता है यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रस मंजरी सत्रह सौ सैतीस में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए पृष्ठ संख्या 130 उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों दीवारों कपड़ों फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें बंगाल नजदीक से एक नजर एक क्षेत्रीय भाषा का विकास जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बांग्ला ही बोलते थे किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ अगले पृष्ठ पर जाने से पहले इसी पृष्ठ पर एक चित्र और यह है चित्र संख्या दस और यह है सबसे पहली बंगाली रामायण के ताल पत्र की पांडुलिपि के एक पृष्ठ का चित्र पृष्ठ संख्या 131 सौ ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था आठवीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया जिसका वर्णन अध्याय दो में आपने पढ़ा है चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे अध्याय तीन में इसकी चर्चा हो चुकी है पंद्रह में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी लेकिन बंगाली या बांग्ला एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी वस्तुतः पंद्रहवीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है यद्यपि बांग्ला या बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है इसके अलावा गैर संस्कृत भाषाओं का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है आधुनिक बांग्ला या बंगाली भाषा का एक हिस्सा बन गया है बांग्ला या बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद यानी मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनिया जिसका वर्णन अध्याय आठ में हमने पढ़ा है आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां कथाएं लोक कथाएं और गाथा गीत पृष्ठ संख्या 132 सौ बत्तीस मैनामती गोपीचंद्र धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है अब पाठ सुनने से पहले एक प्रश्न आपके लिए और वो प्रश्न है आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी आइए अब सुनते हैं पाठ पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही सुनी जाती थीं इसलिए उनका काल निर्णय सही सही नहीं किया जा सकता है वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था आगे के पाठ से पहले आइए एक शब्द पर विचार करें वह शब्द है पीर पीर एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक आइए सुनते हैं पाठ पीर और मंदिर सोलहवीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था ज्यो ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे शनै शनै स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे किसानों के नए समुदाय में मिल गए इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थीं। प्रारंभ में बाहर से आकर यहां बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे पृष्ठ संख्या 133। इस पृष्ठ में पाठ पर चलने से पहले आइए एक शब्द पर विचार करें जो यहाँ दाई ओर दिया हुआ है शब्द है जीववाद इसका अर्थ है यह मानना कि पेड़ पौधों जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है पृष्ठ संख्या 133। पाठ में चलने से पहले आइए इस समय एक शब्द पर विचार करें जो शब्द यहाँ दिया हुआ है शब्द है जीववाद जीववाद का अर्थ है यह मानना कि पेड़ पौधों जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है आइए अब चलते हैं पाठ की ओर इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव साहसी उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं बंगाल में पंद्रहवीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा जो उन्नीसवीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया हमने देखा है अध्याय दो और पांच में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगीं इस समय आपके लिए इसी पृष्ठ पर कुछ करने को और यहां पर आपको एक तुलना करनी है और यह तुलना है यहां दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय दो में दिए गए मंदिर से करें बाई ओर एक चित्र है यह है चित्र संख्या ग्यारह जो एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी का चित्र है और इसी की दाई ओर चित्र संख्या बारह जो कि एक चौचाला मंदिर का चित्र है पृष्ठ संख्या एक सौ चौतीस इस पृष्ठ में सबसे पहले एक चित्र चित्र संख्या तेरह ये चित्र है श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण को दिखाया गया है आइए सुनते हैं पाठ इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली या चौचाला यानी चार छतों वाली होती थी पांचवें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थीं जो ऊपर तिरयक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। पृष्ठ संख्या 135 मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है मछली पकड़ना यहां का मुख्य धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध बिहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है आ, इसी पृष्ठ पर आ, आगे पाठ पर चलने से पहले एक चित्र देखते हैं और ये चित्र है चित्र संख्या चौदह और ये चित्र है घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग अब सुनते हैं पाठ ब्राह्मणों को सामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी बृहत धर्म पुराण जो बंगाल में रचित तेरहवीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी इसी पृष्ठ पर एक बॉक्स और इसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय आइए सुनते हैं 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा तथा किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दिया पृष्ठ संख्या 136 सबसे पहले कुछ बीज शब्द बीज शब्दों से तात्पर्य है वो शब्द जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है तो ये इस पृष्ठ पर बाई ओर दिया हुआ है आइए सुनते हैं बीज शब्द बीज शब्द हैं शास्त्रीय लघु चित्र पीर और बोली कल्पना करें आप एक राजपूत राजकुमार हैं आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनाना पसंद करेंगे फिर से याद करें एक इन दो स्तंभों में मेल बिठाएं साथियों यहां पर दो स्तंभ दिए हुए हैं और दोनों स्तंभों में अलग अलग शब्द हैं आपको दोनों स्तंभों में दिए गए शब्दों के बीच में मेल कराना है आइए सुनते हैं सबसे पहले स्तंभ एक या कॉलम वन अनंत वर्मन जगन्नाथ पुरम, लीला तिलकम मंगल काव्य लघु चित्र अब सुनते हैं कॉलम टू या स्तंभ दो केरल बंगाल उड़ीसा कांगड़ा पुरी, केरल दो मणिप्रवालम क्या है इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं तीन कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे चार बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं पृष्ठ संख्या 137। आइए विचार करें पांच चारण भाटों ने शूर वीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की छे हम जन साधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं सात विजेताओं ने पूरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए आठ बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए आइए करके देखें नौ भवनों प्रदर्शन कलाओं चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन करें दस क्या आप क, बोलने, ख पढ़ने ग लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं इनमें से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाएं और चर्चा करें कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं ग्यारह उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी और मध्य भारत में से एक एक राज्य चुनें। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं आप उनमें यदि कोई अंतर या समानताएं पाएं तो उन पर प्रकाश डालें बारह इनमें से प्रत्येक क्षेत्र से पांच पांच राज्यों की एक एक अन्य सूची बनाएं और यह बताएं कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा आमतौर पर कौन से वस्त्र पहने जाते हैं अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें यहां अध्याय नौ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग दो का अध्याय नौ शीर्षक था क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण वाचन स्वर अजीत हो रो निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सीईआर टी -E नई दिल्ली भारत